मोदी से टकराया, मालदीव घुटनों पर आया। मंत्रियों के बाद अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर विवाद। मोदी के दोस्त का धमाल, मालदीव होगा कंगाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नेता से लेकर अभिनेता तक गुस्से में है। वजह है तस्वीर पर मालदीव की घिनौनी हरकत, जिसके चक्कर में न सिर्फ 3 मंत्री सस्पेंड हो गए बल्कि राष्ट्रपति की कुर्सी भी मुश्किल में पड़ गई है। इसी बीच पीएम मोदी के दोस्त ने ऐसा एक्शन लिया कि मालदीव घुटनों पर आ गया। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। चार जनवरी को पीएम मोदी की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये तस्वीर थी पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की। यहाँ पीएम मोदी ने समंदर में डुबकी क्या लगाई, मालदीव का गला ही सूख गया। बिना सोचे समझे मोदी को घेरने के लिए मालदीव ने बुद्धि लगाई, टूरिज्म पर मोदी को आंख दिखाई। लेकिन भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को भारी पड़ गया। उनकी एक गलती ने अंदर से बाहर तक सब कुछ तबाह कर दिया। न सिर्फ नेता मंत्री हाथ से गए बल्कि अब तो खुद की कुर्सी हिलने की नौबत तक आ गई। देश से विदेश तक मालदीव इतनी बुरी तरह घिर गया कि अब आंसू भी साथ नहीं दे रहे। अब तो मालदीव के विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ भारत के रिश्तों में खटास लाने के लिए अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया बल्कि बिना देरी करते हुए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी। इस खबर ने तो मुइज़्ज़ू की नींद ही उड़ा दी है। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज़्ज़ू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद की गुजारिश की है। अली अजीम ने कहा, हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। क्या वो राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं? देख ली मालदीव ने भारत की ताकत। मोदी ने कुछ कहा नहीं और बाकियों ने छोड़ा नहीं। एक गलती से आज मालदीव घुटनों पर आ गया है। तबाही मच गई है, कुर्सियां हिल गई हैं। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब भारत के दोस्त देशों ने मालदीव के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया। भारत के दोस्त इजराइल ने तो रातों रात मालदीव की नींद ही उड़ा दी। मालदीव को आईना दिखाते हुए इजराइल ने लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की न सिर्फ सराहना की बल्कि इजरायली दूतावास की तरफ से कुछ तस्वीरें तक साझा की गईं। इन तस्वीरों ने तो मालदीव का हाजमा ही खराब कर दिया। इजराइल ने ऐलान किया, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इन परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है। ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए हैं। इन तस्वीरों में हम इस द्वीप के मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। भारत के साथ उतरे इजराइल ने मालदीव को तमाचा मारने का काम किया। ये तमाचा ऐसा है जिसके निशान शायद ही मालदीव के गाल से मिट पाए। तो चलिए अब डिसैलिनेशन तकनीक के बारे में भी बताते हैं जो मालदीव के टूरिज्म को तबाह कर सकती है और लक्षद्वीप को नई ऊंचाइयां दे सकती है। लक्षद्वीप एक द्वीप है, वहां पीने के मीठे पानी की दिक्कत है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक को ही डिसैलिनेशन कहते हैं। इस तकनीक से खारे पानी से खनिजों और अन्य अशुद्धियों को अलग कर पीने योग्य बनाया जाता है। इजराइल भी इसी तकनीक से अपने यहाँ के खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में डिसैलिनेशन तकनीक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत से बेवजह पंगा लेकर मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक के बाद एक झटके मालदीव को तबाह कर रहे हैं। भारत के नेता से लेकर अभिनेता डटकर मालदीव को आईना दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। मालदीव को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रेवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना कर डाली। MATI ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा, वो भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। मालदीव के बड़बोले मंत्री बोलने से पहले शायद भारत की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए थे। इसकी एक गलती और भारत के एक्शन मोड ने मालदीव की सत्ता को हिला कर रख दिया। मालदीव ने इस वक्त सियासी बवंडर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सत्ता हिली पड़ी है, नेता मंत्री सब डरे पड़े हैं। तो इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, चलिए ये भी साफ शब्दों में बयां कर देते हैं।
दरअसल पूरे मामले की शुरुआत प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद शुरू हुई। पीएम मोदी ने जैसे ही लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें पोस्ट की और लोगों को आइलैंड पर घूमने की अपील की तो मालदीव के मंत्रियों को मिर्ची लग गई। तुरंत मालदीव की मंत्री मंत्रम शिउना ने पोस्ट कर मोदी को घेरना शुरू कर दिया। मैडम भूल गई पंगा किससे ले रही हैं। बस पोस्ट में अपनी भड़ास निकाल डाली और बाकी मंत्री भी इस पर सहमति जताने लगे। जैसे ही विवाद शुरू हुआ मंत्री ने तुरंत अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन इसकी कीमत कैसे न चुकानी पड़ती। मालदीव सरकार ने तुरंत अपने बजवान 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन विवाद यहीं थमा नहीं, पूरी दुनिया मोदी के साथ आई। मोदी ने कुछ कहा नहीं लेकिन बाकियों ने मालदीव को छोड़ा नहीं और बस इस कदर सियासी बवाल मालदीव में मचा हुआ है कि सब कुछ तहस नहस ही हो गया। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।